वाट्सअप एवरी वन कैसे हो आप सब सो आई होप यू ऑल आर फाइन तो हम लोग अपने परसेंटेज इस चैप्टर पे थे एंड उसके हम एल ओ डी टू के क्वेश्चन कर रहे थे सो ट्वेंटी सेवन तक हम कर चुके हैं अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सो लेट्स रीड अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे रिपोर्ट इशूड बाय द कॉमर्शियल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एफ डी आई गोज़ टू गुजरात एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस गोज टू रूरल एरियाज़ If the FDI in Gujarat which goes to urban areas is $72 million, then find the size of FDI in rural Andhra Pradesh, which attracts 50% of the FDI that comes to Andhra Pradesh, which accounts for 20% of the total FDI. So they question both interesting. Hai. Kya bola hai? According to a recent survey, report issued by the Commercial Ministry, Government of India 30% of the total FDI goes to Gujarat. ठीक है तो पूरे टोटल एफ का ना सिर्फ थर्टी परसेंट जाता है गुजरात पे ठीक है तो पहले हम मान लेते हैं कि टोटल एफ था हमने एज्यूम कर लिया एज़ हंड्रेड एक्स ठीक है मैंने हंड्रेड इसलिए ले लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए सो हंड्रेड एक्स का टोटल एफ था एंड यहाँ बोला थर्टी परसेंट ऑफ़ द टोटल एफ डी आई गोज़ टू गुजरात तो गुजरात में कितना गया थर्टी परसेंट ऑफ़ एफ डी आई तो थर्टी परसेंट ऑफ़ हंड्रेड एक्स तो ये कितना हो गया दैट इज़ थर्टी एक्स ठीक है एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस गोज़ टू रूरल एरियाज तो गुजरात के रूरल एरिया में कितना गया रूरल गुजरात में कितना गया ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस दिस मतलब जो गुजरात में था ना उसका ट्वेंटी परसेंट सो ट्वेंटी परसेंट इंटू थर्टी एक्स का तो ये कितना हो गया सिक्स एक्स ठीक है इफ़ द एफ डी आई इन गुजरात विच गोज टू अर्बन एरियाज इज़ सेवेंटी टू मिलियन डॉलर्स तो अब देखो रूरल गुजरात का सिक्स एक्स है तो अर्बन गुजरात का कितना होगा टोटल में से माइनस कर दो टोटल गुजरात में से रूरल गुजरात अगर हटा देंगे तो अर्बन गुजरात बचेगा तो अर्बन गुजरात कितना हो गया थर्टी एक्स माइनस सिक्स एक्स दैट इज़ ट्वेंटी फोर एक्स ठीक है एंड हमें ये अमाउंट दे रखा है सेवेंटी टू मिलियन डॉलर्स का तो फिर हम इसे इक्वल कर लेते हैं सेवेंटी टू मिलियन डॉलर्स ठीक है सो ट्वेंटी फोर एक्स की हमें वैल्यू पता चल गई दैट इज़ सेवेंटी टू मिलियन डॉलर्स एंड हमसे पूछा गया है देन फाइंड द साइज ऑफ एफ डी आई इन रूरल आंध्र प्रदेश हमें रूरल आंध्र प्रदेश का एफ डी आई निकालना है ठीक विच अट्रैक्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द एफ डी आई दैट कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश और रूरल आंध्र प्रदेश में कितना आता है पचास परसेंट जितना आंध्र प्रदेश में आता है तो आंध्र प्रदेश में कितना आता है विच अकाउंट्स फॉर ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल एफ डी आई सो आंध्र प्रदेश में आता है एज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल एफ डी आई एंड टोटल एफ डी आई वॉज हंड्रेड एक्स सो ट्वेंटी परसेंट ऑफ हंड्रेड एक्स दैट इज ट्वेंटी एक्स ठीक है सो so, रूरल आंध्र प्रदेश में कितना आता है रूरल आंध्र प्रदेश इज़ इक्ल टू फिफ़्टी परसेंट ऑफ आंध्र प्रदेश तो फिफ्टी परसेंट इन टू ट्वेंटी एक्स दैट इज़ ये कितना आ जाएगा एज़ टन एक्स तो हमें ये पूछा है कि रूरल आंध्र प्रदेश में कितना अमाउंट आएगा एफ डी आई का तो टेन एक्स अमाउंट आएगा तो टेन एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है सो इफ़ ट्वेंटी फोर एक्स इज़ इक्वल टू सेवेंटी टू मिलियन डॉलर्स तो टेन एक्स कितना होगा सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन ऐसे ही करते हैं ना देखो ट्वेंटी फोर एक्स सेवेंटी टू के बराबर है तो x कितना सेवेंटी टू अपॉइंट ट्वेंटी फोर एंड टेन एक्स कितना सेवेंटी टू अपॉइंट ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन सो ये कितना आ जाएगा ट्वेल्व uh, से करते हैं ट्वेल्व टाइम्स टू एंड ट्वेल्व टाइम्स सिक्स टू टाइम्स थ्री सो ये आ जाएगा as थर्टी मिलियन डॉलर्स सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर ठीक है इजी था ना ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इफ़ इन क्वेश्चन ट्वेंटी एट द ग्रोथ इन द साइज ऑफ़ एफ डी आई फॉर द नेक्स्ट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर इज ट्वेंटी परसेंट देन फाइंड द शेयर ऑफ द अर्बन महाराष्ट्र नेक्स्ट ईयर इफ ट्वेल्व परसेंट ऑफ द टोटल एफ डी आई गोइंग टू द महाराष्ट्र वेन टू द अर्बन एरियाज प्रोवाइडेड महाराष्ट्र अट्रैक्टेड ओनली टेन परसेंट ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ बोथ ईयर्स ठीक है सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जो भी हमने किया था उसमें क्या हुआ द ग्रोथ इन द साइज़ ऑफ़ एफ डी आई फॉर द नेक्स्ट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर इज़ ट्वेंटी परसेंट उसमें ग्रोथ आ गई बीस परसेंट की ठीक है तो पिछले साल तो हंड्रेड एक्स था अब कितना हो गया होगा ट्वेंटी परसेंट से बढ़ गया मतलब वन ट्वेंटी परसेंट के बराबर हो गया सो so, अब कितना हो गया एफ डी आई अब एफ डी आई हो गया वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ पुराना वाला दैट इज़ हंड्रेड या फिर हम हंड्रेड प्लस ट्वेंटी परसेंट भी कर सकते थे वो जैसे भी आप कर लो बात एक ही है सो so, ये कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी एक्स तो अब हो गया है एफ डी आई वन ट्वेंटी एक्स देन फाइंड द शेयर ऑफ अर्बन महाराष्ट्र हमें अर्बन महाराष्ट्र का शेयर पता करना है नेक्स्ट ईयर इफ़ ट्वेल्व परसेंट ऑफ़ द टोटल एफ डी आई गोइंग टू द महाराष्ट्र वेन टू द अर्बन एरियाज तो अर्बन एरियाज़ में कितना गया है बारह परसेंट महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र का पहले निकालते हैं प्रोवाइडेड महाराष्ट्र अट्रैक्टेड ओनली टेन परसेंट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ बोथ ईयर्स तो महाराष्ट्र का कितना हो गया टेन परसेंट ऑफ द टोटल शेयर तो टेन परसेंट इन वन ट्वेंटी एक्स तो ये कितना हो जाएगा दैट इज़ सिंपली ट्वेल्व एक्स ठीक है सो महाराष्ट्र का हमें पता चल गया ट्वेल्व एक्स एंड अर्बन महाराष्ट्र का कितना हो जाएगा ट्वेल्व परसेंट ऑफ ट्वेल्व एक्स है ना ट्वेल्व परसेंट इन टू ट्वेल्व एक्स हमें ये फाइंड करना है एंड एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी देखो ट्वेंटी फोर एक्स सेवेंटी टू के बराबर है तो एक्स की वैल्यू सेवेंटी टू अपॉन ट्वेंटी फोर ठीक है सो ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू एज सेवेंटी टू अपॉन ट्वेंटी फोर सो ट्वेल्व टाइम्स टू एंड टू टाइम्स थर्टी सिक्स सो ये कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा एज़ फोर पॉइंट थ्री टू एंड मिलियन डॉलर्स में इसका आंसर आएगा सो इट एज़ फोर पॉइंट थ्री टू मिलियन डॉलर्स ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी द कॉस्ट ऑफ फूड अकाउंटेड फॉर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली इफ़ द इनकम गेट्स रेज बाई ट्वेंटी परसेंट देन वॉट शुड बी द परसेंटेज पॉइंट डिक्रीज इन द फूड एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम टू कीप द फूड एक्सपेंडिचर अनचेंज बिटवीन द टू ईयर्स तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है ये तो क्या बोला है कॉस्ट ऑफ फूड जो है वो पच्चीस परसेंट थी टोटल इनकम की फैमिली के ठीक है तो मैं मान लेता हूँ टोटल तो इनकम फैमिली की हो गई एज हंड्रेड एक्स ठीक है अब टोटल इनकम हंड्रेड एक्स है तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना हो गया फूड पर कितना एक्सपेंडिचर बोला है ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है ऑफ हंड्रेड एक्स तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स का ठीक है अब क्या बोला है इफ़ द इनकम गेट्स रेज्ड बाई ट्वेंटी परसेंट अब इनकम जो है वो ट्वेंटी परसेंट से बढ़ गई है तो न्यू इनकम कितनी हो गई न्यू टोटल इनकम इज़ इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट से बढ़ गई तो या तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी परसेंट कर लो या फिर मैं डायरेक्ट वन ट्वेंटी परसेंट ही लगा दूँ हंड्रेड एक्स का ठीक है सो ये कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी एक्स अब न्यू इनकम हो गई वन ट्वेंटी एक्स पुरानी इनकम थी हंड्रेड एक्स तो जब पुरानी इनकम थी हंड्रेड एक्स तो फूड था पच्चीस 25%, परसेंट तो ट्वेंटी फाइव एक्स आ गया अब टोटल इनकम हो गई वन ट्वेंटी एक्स लेकिन फ़ूड का एक्सपेंडिचर जो है वो उतने का उतना ही है तो उसमें परसेंटेज कितना डिक्रीज़ आया तो अब परसेंटेज निकालते हैं फ़ूड का जो एक्सपेंडिचर है वो ट्वेंटी फाइव एक्स है तो अब परसेंटेज कितना आ जाएगा परसेंटेज स्पेंट ऑन फूड मतलब परसेंटेज कॉस्ट ऑफ फूड हम बोल देते हैं वो कितनी है फूड पे कितना लग रहा है ट्वेंटी फाइव एक्स डिवाइडेड बाई टोटल इनकम कितनी है एज़ वन ट्वेंटी एक्स इन टू हंड्रेड तो हम ऐसे परसेंटेज निकाल लेंगे जीरो से ज़ीरो कैंसिल टू टाइम्स फ़ोर सॉरी टू टाइम्स सिक्स टू टाइम्स फ़ाइव ट्वेंटी फाइव फाइव वन ट्वेंटी फ़ाइव डिवाइड बाई सिक्स एंड ये कितना आ जाएगा सिक्स टाइम्स टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स एट एंड थ्री थ्री सो जो पहले फूड का एक्सपेंडिचर ट्वेंटी फाइव परसेंट था ठीक है वो अब कितना हो गया ट्वेंटी पॉइंट एट थ्री थ्री परसेंट तो अब यही पूछा है कितना परसेंट डिक्रीज़ आया ठीक है सो परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी पॉइंट एट थ्री थ्री एंडी थ्री 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 जाता रहेगा ठीक है सो so, इसका आंसर आएगा फोर पॉइंट वन सिक्स ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो दीज वर द सोल्यूशन फ्रॉम ट्वेंटी एट टू थर्टी आई होप आपके समझ में आया होगा कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगे टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग